इंडियंस राइजिंग टैलेंट नाम के एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है, मुंबई में इसकी शुरुआत की है। यह एक ऐसा मंच है जहां आज के युवा अपने राजनीतिक मुद्दों को अपने हुनरों के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। नृत्य, गाना, रैप, स्टैंड अप कॉमेडी और कई हुनरों को पेश कर सकते हैं। इन सभी को 4 हिस्सों में इंडियंस राइजिंग टैलेंट प्रतियोगिता में बांटा गया है। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ आमिर अली, अदा खान, गुरप्रीत चड्ढा, राजा सागु, नवीन प्रभाकर, फैज बलूच और कई अन्य हस्ती ने किया है। क्या कुछ कहना था मीडिया से बातचीत में, देखिए मुंबई से खास रिपोर्ट। We request people and youngsters from the age of 15 to 35 to send us 1 minute short videos on the number which would be 6390999099, and after which there will be auditions as well for this particular talent hunt. We have different categories like singing, rapping, mimicry, stand-up comedy, YouTube shorts, reels, stories, and street plays. So we have prizes for the same. Each category, the winner gets 1 lakh rupees, and the second prize is 75,000, the third prize is 50,000. So our main aim is to promote local young talent. Good afternoon, everybody. जशान को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, एंड वो अभी वो पॉलिटिशियन है, लेकिन वो जब नहीं भी थे तब भी वो कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहते थे। मैं उनके साथ क्रिकेट खेलता था, इनका क्रिकेट लीग बड़ा फेमस है बैंड्रा में। सो ही इज़ ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग न्यू एंड इनोवेटिव ऑल द टाइम, एंड व्हेन ही कॉल्ड मी फॉर समथिंग लाइक दिस आई जस्ट हैड टू से यस, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन, एंड सेकेंडली ही ऑलवेज डज समथिंग फॉर द पीपल। And I'm not saying this as a politician, as a person as well. तो ये जो talent hunt है वो बहुत fun होने वाला है, लेकिन with a strong message as well. जो message है, जो आप देश के लिए कुछ करोगे या आप कुछ बोलना चाहते हो, या you know बहुत बार क्या होता है, when you want to say something, it's just there in your social media and it's not circulated all over the country. So with this talent hunt, you can say something very innovative, with a lot of fun, but with a strong message as well. So yeah, just shoot करिए, एक मिनट और भेज दीजिए जो नंबर इन्होंने आपको बताया, and have a lot of fun. Preachy ना बनिए, I think do something fun with a strong message, and so that'll be very interesting. And then आपको यहाँ आने का मौका मिलेगा, बॉम्बे आने का मौका मिलेगा, और फिर मुंबई के बाद आई थिंक बाहर भी जाने का मौका मिलेगा। हेलो एवरीवन, जैसे कि आमिर ने कहा कि यू नो इट्स अ लाइक जशान भाई ने इतना ब्रिलियंट स्टेप लिया है, बिकॉज सबको मौका नहीं मिलता है अपना टैलेंट दिखाने का, और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अब मिल रहा है। ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे तो लोग अपने टैलेंट दिखाते ही है, लेकिन यहाँ पर आप जैसे डांसिंग, सिंगिंग या वो टैलेंट तो है ही, लेकिन आप एक अलग तरीके से कोई सोशल इशू जो इंडिया फेस कर रहा है उसके बारे में कुछ आप कहे अपने तरीके से जो इम्पैक्टफुल हो, 1 मिनट का वीडियो बनाइए और आपको नंबर जो बताया गया है उस पर व्हाट्सएप कीजिए। सो आई थिंक इससे यू नो हमें भी लाइक लोगों को भी एक मैसेज मिलेगा, प्लस आप अपना एक हुनर भी दिखाओगे दुनिया को, एंड आई थिंक इट्स रियली अ ग्रेट स्टेप। I mean, I'm really happy to know that aisa bhi ek platform ab ho raha hai, which is India's rising talent, and looking forward aap sabke videos ke liye, really excited desh ka talent dekhne ke liye. Thank you so much for making me a part of this. Sabse pehle Zeeshan bhai ko bahut bahut mubarak, aur bahut badi baat hai ek platform jo kamal ka India's rising talent aapke beech mein laaye hain. जैसे कि भ्रष्टाचार, चाहे वो मिमिक्री है, अपना 1 मिनट का वीडियो जैसे कि बताया है कि व्हाट्सअप नंबर पे, और जैसे मैं कमाल करते हैं मंच जी, हाँ चाहे वो मिमिक्री आर्टिस्ट है, चाहे वो कॉमेडियन है, 1 मिनट का वीडियो इस नंबर पे भेजिए। नंबर है 6390999099। थैंक यू सो मच निशान भाई, इतना प्यारा और बड़ा प्लेटफॉर्म ओपन करने के लिए, शुरुआत करने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो एवरीवन, सो थैंक यू सो मच दिशान भाई मेरे को यहाँ बुलाने के लिए, और गाइस 1 मिनट की बस वीडियो बनाना है आप लोगों को, ये मुंबई के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से। 1 मिनट की वीडियो बनाओ, अपना टैलेंट दिखाओ, फनी हो, कॉमेडी हो, कोई भी वीडियो बनाओ,
और आप भेज सकते हो और आपको मिल सकता है. और सब कैटेगरी में अलग अलग प्राइज़ है, मतलब एक में ही नहीं है सिर्फ, सब में अलग अलग 1 लाख रुपया प्राइज़ है और सेकेंड प्राइज़ 75. सो एक मिनट की वीडियो बनाओ और सेंड करो व्हाट्सएप पे और हम लोग देखेंगे. थैंक यू. थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल टू मिस्टर ज़िशान सिद्दीकी सर एंड गुरप्रीत दीदी एंड पारुल चावला दीदी फॉर हैविंग मी, फॉर इन्वाइटिंग मी हियर. इज़ अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म एंड सब टैलेंट के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये इंडियाज राइजिंग टैलेंट. एंड ऐसे ही मौके सब लोगों को नहीं मिलता है. एंड मैं भी ऐसे ही वीडियो भेज के कोई रियलिटी शो में फिर मैं आज यहाँ पे पहुँची हूँ. सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सेंड ऑल योर वीडियोज एंड योर टैलेंट्स. थैंक यू. Hi, I'm Ganane Chadda, Gurpreet Zeeshan. And firstly, I want to congratulate Zeeshan Bhai because it's really an innovative project. And you know, students and all these people, they can get out of the immediate spheres and they can find themselves, they can find their talent and they can explore it. And through that, they can break through and get that recognition. So it's really innovative. And I would like to congratulate him once again. Thank you. देखिए ये एक राष्ट्रीय तौर पर इंडियन यूथ कांग्रेस ने लॉन्च किया है और हमारा सौभाग्य है कि आज मुंबई में हमने ये इसको लॉन्च किया है. और हमारा मेन उद्देश्य ये है कि यंग जो लोकल टैलेंट है मुंबई में, जो युवाओं को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है अपने टैलेंट शोकेस करने का, उन्हें एक मौका दिया जाए. और ये हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उसके बाद हमने एक्साइटिंग प्राइजेस रखी है उनके लिए. और हर एक कैटेगरी में, जैसे मिमिक्री है, सिंगिंग है, रैपिंग है, स्ट्रीट प्लेज है, जो देश के मुद्दे हैं, जो देश के मुद्दे के बारे में बात करनी चाहिए वो उनको यूनिक तरीके से बात करने के लिए हमने ये एक प्लेटफॉर्म दिया है. एंड आई एम श्योर दैट मैनी यंगस्टर्स विल जॉइन अस, सेंड अस देयर वीडियोज ऑन द नंबर दैट वी हैव गिवन एंड आफ्टर विच वी विल बी हैविंग लाइव ऑडिशंस एंड वी विल डेफिनेटली गेट अ लॉट ऑफ टैलेंटेड यंगस्टर्स एंड टेक देम ऑन अ नेशनल लेवल ऑल्सो. जब अभी तो हमने लॉन्च किया है तो लोग पब्लिक से रिस्पॉन्स मिलना बाकी है, पर मुझे उम्मीद है कि रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलेगा क्योंकि जो जो लोगों से हमने बात किया है उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें बोली है. और मुझे यकीन है कि ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रीज मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स को हम प्रमोट कर सकेंगे. जी सर, हमें ये भी पता चला आप रियलिटी शोज़ जो मेन सैटेलाइट चैनल्स पे आप उनके साथ भी इनिशिएट कर रहे हैं एक बात. देखिए पूरी चीज़ एक प्रोसेस में है, आज लॉन्च किया है और इसके बाद जो हमारा मेन उद्देश्य है कि हमें एंट्रीज मिलेगी, जैसी एंट्रीज मिलेगी वैसे लाइव ऑडिशंस भी होगा और लाइव ऑडिशंस के बाद मेगा फिनाले भी होगा. सर ये स्टार्स लोगों के लिए ही होगा या आम पब्लिक? नहीं, ये आम पब्लिक के लिए, जैसे आम पब्लिक आगे जाके स्टार बन जाए तो आम पब्लिक हमारे प्लेटफॉर्म में आएगी, अपने टैलेंट शोकेस करेगी और आगे जाके स्टार बनेगी. सर इससे पहले आपने भाषण प्रतियोगिता किया था युवाओं को लेकर, कॉलेज और अलग अलग जगहों से लोग आए थे वहाँ पर, अब इस तरीके से ये नया प्लेटफॉर्म? ये नया प्लेटफॉर्म है क्योंकि अपने अपने अलग टैलेंट है, कोई गा सकता है तो कोई डांस कर सकता है तो कोई एक्ट कर सकता है, तो अलग अलग माध्यमों से वो लोग नेशनल इश्यूज के बारे में बात करे और अपनी कला दिखाए. सर कोई सब्जेक्ट पर्टिकुलर आपने रखा है? जैसे हम जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, विमेन्स सेफ्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट के बाद प्राइस हाइक होगी, इन्फ्लेशन हो गया, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं जो आप और मैं आज सह रहे हैं, उसके ऊपर एक आर्टिस्टिक वे में यूनिक तरीके से आप प्रेजेंट कीजिए और प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए. जिशान आपके पास एक बहुत अच्छा वंडरफुल पैनल था आपके साथ आज, जी ऑन द लॉन्च. So, did you also, you know, obviously during your research, you must have taken inputs from everybody. Yes, we tried to make sure that different people from different categories. We had a great mimic artist in Naveen Prabhakar ji. We had great actors like Aamir Ali ji, Adha Khan ji. We had singers with us like Raja ji, Biswajita ji. So, a lot of people who from different categories and different walks of life and different parts of the fraternity came together to launch this, to promote how you know the platform we are giving the youngsters. Zeeshan ji, जिस तरीके से देश भर में रोजगार को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, पढ़े लिखे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं जो नौकरी की तलाश में, तो सर ये एक उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है? इतने युवा अपनी बात रखेंगे बेरोजगारी के बारे में तो शायद से सरकार भी तो सोचेगी ना कि कुछ बेरोजगारी के बारे में. अभी तो आम जनता भी कह रही है और अलग अलग अनोखे अंदाजों में कह रही है, तो
मुझे लगता है सरकार को भी पहुंचने वाले ये एक चीज़ है, और जो प्लेटफॉर्म है उनको प्राइज मनी भी अच्छा मिलेगा और एक बड़ी सी ऑडियंस मिलेगी, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। सो किस तरह से रियलिटी शो प्लेटफॉर्म टैलेंट हंट, तो आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सो दिस इज़ अ वेरी बिग इनिशिएटिव टेकन बाय इंडियन यूथ कांग्रेस, बिकॉज मुझे पता है कि मेरे बच्चे, मेरी बेटी 8 साल की थी जब मुंबई में हम आए थे, उसको बार बार होता था कि मामा मुझे टीवी में आना है, तो मेरे पास कोई जरिया नहीं था, बट शी गॉट सेलेक्टेड फॉर अ रियलिटी शो रिन मेरा स्टार सुपरस्टार इन स्टार प्लस, तो दैट्स हाउ वी केम टू मुंबई, और हम जिस दिन मुंबई में कदम रखा तो फिर उसके बाद हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो रियलिटी शोज़ एक ऐसा जरिया है कि कोई भी बच्चा अपने टैलेंट से आगे आ सकता है, और आगे आने के बाद फिर उनको बहुत सारे और आगे से शोज़ मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर आप रियलिटी शो में अच्छा परफॉर्म करते हो, अपना टैलेंट दिखाते हो, तो और ज़्यादा अच्छे से उनको आगे काम आना शुरू हो जाता है। सो दिस इज़ अ वेरी बिग इनिशिएटिव, बिकॉज ये जो मंच है, ये मंच वो टैलेंट को आगे लाएगा जो कि देश से जुड़ने की बात करेंगे। आजकल जो मुद्दे चल रहे हैं, चारों तरफ नफरत फैलाने के मुद्दे चल रहे हैं, सो हम इंडियन यूथ को जोड़ना चाहते हैं ऐसे मुद्दों से जिसमें वो बेरोजगारी हो या फिर वुमन इश्यूज हो, जितने भी भ्रष्टाचार, जितने भी इश्यूज हैं जो देश को ख़राब करते हैं, तरक्की को रोकते हैं, तो उन मुद्दों से अपनी एक मिनट की वीडियो बना के वो अपना टैलेंट दिखा के आगे आ सकते हैं। तो वो शॉर्टलिस्टेड बच्चे यहाँ से आगे तक जाएंगे, एक बड़े ग्रैंड फिनाले में, रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करेंगे जो उनको नेशनली और इंटरनेशनली फेम देगी। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या सोच रहे हैं ये प्लेटफॉर्म जो लोगों को मिल रहा है, कितना बेनिफिट मिलेगा इससे? देखिए इसका तो कोई पैरामीटर तो है नहीं। देखिए क्या है ना, टैलेंट का कोई पैरामीटर नहीं होता, और टैलेंट में एंटरटेनमेंट होना बहुत ज़रूरी है, ये फर्स्ट क्राइटेरिया आई थिंक, इतना तो मिनिमम होना ही चाहिए। और जितनी भी एज ए कंटेस्टेंट इसमें पार्टिसिपेशन जितने होंगे ना, मैं समझता हूँ कि अपनी अपनी यूनिकनेस से आएंगे, चाहे वो स्टैंड अप हो, चाहे वो चित्रकार हो, चित्रकार भी यूनिक होना चाहिए, नॉर्मल चित्रकार नहीं। मुद्दों को छोड़कर वो परफॉर्मर नहीं होना चाहिए, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, इन मुद्दों को लेकर अगर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत मुश्किल बात होती है ऐसे लोगों पे कॉमेडी करना, वहाँ से कॉमेडी ईजाद करना, तो मैं स्वागत करता हूँ ऐसे प्लेटफॉर्म का, और ऑल द वेरी बेस्ट कहता हूँ ये सारे यूथ कांग्रेस के हमारे लाडले जिशान जी, आपने बहुत कमाल का प्लेटफॉर्म सारे मुंबई शहर को और सारे हिंदुस्तान को ऑफर किया है, मैं सराहता हूँ, थैंक यू सो वेरी मच। सर एक सवाल और, आप भी उसी कठिन दौर से गुजरे हैं, आपने भी परिश्रम करके आगे आए हैं, तो जो युवा जो ये सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? संडेज और मंडेज तो यार पार्टिसिपेशन में ही होगा वो संदेश। अच्छा संदेश, संदेश यही है कि आप जम के तैयारी कीजिए और जम के पूरे जोश खरोश के साथ पार्टिसिपेशन में हिस्सा लीजिए, चाहे आप डीप गांव से हो, शहर से हो, आपका कोई प्लेटफॉर्म आपको अपने यूट्यूब चैनल में अगर यहाँ वहाँ कर रहे होंगे, तो दिस इज़ अ बेस्ट प्लेटफॉर्म टू पार्टिसिपेट, और आइए, स्वागत है आपका। A talent show is much more very important for this country, for the youth of this country, and we see a lot of talent shows. But India's Rising Talent is a unique talent show that we've got up. Indian Youth Congress President Sri Srinivas Ji, our in charge Sri Krishna Allavaru Ji, came up with this idea where the people who do not get opportunities to perform and get their talent on board, they will get a great opportunity to come up through this India's Rising Talent Hunt Show. It is very easy for you to participate. You just have to send your 1 minute video. The guys who keep on uploading their videos on Instagram and all, and they don't get that much reach and that support from the masses, we'll get their talent on board. And we've got some amazing issues that you have to speak upon. You can read these issues here. So if you talk about these issues, your real talent will come up, because it's very easy for someone to make a joke. But when I give you a topic, जैसे कि महंगाई के ऊपर बोलना है, तो जब आप महंगाई के ऊपर अपना जोक बनाएंगे या रैप बनाएंगे, दैट इज रियल टैलेंट विच यू आर गेटिंग अप। सो दैट इज व्हाई आई फील इंडियाज राइजिंग टैलेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट।